हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड पैराडाइज। फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे चॉको चिप्स चॉकलेट केक, वो भी घर पर कुकर में। मेनली फोर इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बना है। केक बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए ओरियो बिस्किट। ओरियो की जगह पर आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं। डेकोरेशन टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे चॉको चिप से डेकोरेट करेंगे या फिर चॉकलेट से। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर दो ओरियो बिस्किट लिया है, 150 ग्राम का और एक 120 ग्राम का। बिस्किट को इस तरह से तोड़ के इसका क्रीम अलग कर लेंगे और बिस्किट अलग रखेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसानी से अलग हो जा रहा है। केक बनाने का ये सबसे आसान तरीका है। ये देखिए, हमारे बिस्किट्स और उसके क्रीम अलग हो गए हैं। अब सारे बिस्किट्स को तोड़कर ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे रफली क्रश कर लेंगे। बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है। इसे एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें 4 टेबलस्पून पाउडर शुगर मिलाएंगे। एक ग्लास दूध लेंगे जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। थोड़ा सा दूध डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से बनने वाला केक है, इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। और हाँ, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिल्कुल इस तरीके की होनी चाहिए। अच्छे से मिक्स करके इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। एक कुकर में थोड़ा सा नमक लेंगे और इसे ढककर गैस पर चढ़ा देंगे। 10 मिनट तक के लिए इसे हीट करेंगे। केक टिन को भी ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा लेंगे या फिर सूखा मैदा छिड़क कर अलग रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अपना बैटर भी रेस्ट कर चुका है। अब इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और 2 टेबलस्पून मिल्क डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। वन साइड में चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। इसे बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है। केक बनाते समय बैटर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट होनी चाहिए, टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। अब सारा काम फटाफट करेंगे, इसे तुरंत केक टिन में ट्रांसफर करेंगे और उसे टैप करेंगे। एक दो बार टैप करने से अच्छे से सेट हो जाता है। अब इसे प्री हीटेड कुकर में एक स्टैंड रख कर उसके ऊपर रख देंगे, फिर कवर कर देंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पे ढककर 20 से 25 मिनट तक पकने देंगे। बीच में ढककर नहीं हटाएंगे, नहीं तो केक फूलने की बजाय पिचक जाएगा। 25 मिनट हो गए हैं, ये देखिए केक पक चुका है। अब इसे एक टूथपिक की सहायता से चेक कर लेंगे। अगर ये क्लीन बाहर आता है तो इसका मतलब केक पक चुका है। अब केक टिन को कुकर से बाहर निकालेंगे और एक गीले कपड़े से इस तरह से ढककर रख देंगे और ठंडा होने देंगे। अब चाकू की सहायता से किनारों को अलग करेंगे और फिर इसे अनमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, बन गया केक। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। हमने जो बिस्किट का क्रीम निकाला था और उसमें थोड़ा सा डार्क चॉकलेट डालेंगे, इसे मेल्ट कराएंगे। मेल्ट कराने के लिए हमने कांच का बर्तन लिया है और इसे डबल बॉयलर में रख दिया है। चॉकलेट को डायरेक्ट हीट पे गर्म करने से चॉकलेट जलने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब अपने केक को किसी जाली वाले स्टैंड पर रखकर इस पर मेल्टेड चॉकलेट डालेंगे और इसे इवेंटली चारों तरफ फैला लेंगे। अब इसे आप चॉकलेट से, जैम से या फिर चॉको चिप्स से डेकोरेट करिए। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे गार्निश करते हैं।
मैंने ये व्हाइट चाको चिप्स और जेम्स से गार्निश किया है। ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसा केक बनकर तैयार हो गया। 500 ग्राम का केक आप मार्केट से लेने जाएंगे तो कम से कम 500-600 का तो मिलेगा ही। फ्रेंड्स, आप केक एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।